हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ गुजराती फेमस मेथी थेपला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ऑल क्रेडिट्स फॉर दिस वीडियो गोज टू माय मॉम। आज मैं उनके हाथ के थेपले आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम्स जितनी मेथी, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा है। ये है लगभग 50 ग्राम्स ऑफ गुड़, जिसको भी हम स्मॉल पीसेस में काटेंगे। गुड़ को हम पानी में इस तरह से भिगोएंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और डो बनाने में उसका यूज़ कर सके। मेथी को हम अच्छे से 3-4 टाइम्स वॉश करके रखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 3 से 4 जितना हरा लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो यू कैन स्किप दिस स्टेप, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। और उसी के साथ लिया है 3-4 जितनी ग्रीन चिलीज, जिसको हम बारीक से चॉप करेंगे दोनों ही चीज़ों को। ये है हरा धनिया, जिसको हम थोड़ा सा लेंगे और वॉश करके रखेंगे। अब आटे के लिए हम लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच जितना गेहूं का आटा। जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उतना ही हम बाजरा लेंगे। सो 3 से 4 बड़े चम्मच बाजरा लिया है यहाँ पर। और इसके साथ लगभग 1 चम्मच जितना बेसन लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर देंगे। जो हमारी मेथी हमने ड्राई करने रखी थी वो भी ड्राई हो गई है, तो मेथी को हम आटे में डालेंगे। उसी के साथ धनिया जो हमने अभी वॉश करके रखा था, धनिया को भी ऐड कर देंगे। 3-4 टेबलस्पून्स जितना ऑयल डाला है, डो बनाने में वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 50 ग्राम्स यानी 3 से 4 चम्मच जितना दही। जो हमने गुड़ का पानी लिया था उसको बैलेंस करने के लिए हम दही डालते हैं। अब हम हरा लहसुन और ग्रीन चिलीज जो हमने बारीक कटी हुई रखी थी उसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके डाल देंगे, ताकि वो एक जगह पे उसका टेस्ट ना रहे। उसमें हम डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून जितने सेसमी सीड्स और उतनी ही क्वांटिटी में अजवाइन सीड्स डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितने। इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। सीजनिंग के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर, सेम क्वांटिटी का गरम मसाला पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। अब हमने जो गुड़ भिगोया था उसको हम हल्के हाथ प्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे, ताकि हम उसको डो में डाल के डो को तैयार कर सकें। सारी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर और फिर इसमें गुड़ का पानी डाल के डो को तैयार कर देंगे। याद रखिए, इसमें नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ गुड़ का पानी जो हमने तैयार किया है उसी के हेल्प से हम डो को तैयार करेंगे। और ये हमारा डो रेडी हो चुका है। नॉर्मल डो की तरह हम इसको भी लगभग 10 मिनट तक लिड से कवर करके रखेंगे, ताकि वो अपना प्रॉपर फॉर्म ले ले। अब हम गैस ऑन करके डो में से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जैसे हम चपातीज और पराठाज में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब हम उसको बेलना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम चपाती को नॉर्मल आटे से बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम थेपले को भी बेलेंगे। हल्के हाथ बेलना है, और अगर आपको लग रहा है कि साइड में से आपका थेपला जो है वो शेप से ख़राब हो रहा है, तो आप इसी तरह हाथ से उसको ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मत बेलिए, उसका थिकनेस जो है वो चपाती से थोड़ा ज़्यादा रखना और नॉर्मल साइज़ का थेपला बेल लेना। अब उसको हम पराठे की तरह दोनों साइड से रोस्ट कर लेंगे।
तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा थोड़ा लेंगे तेल तो वो ज़्यादा लंबा चल सकता है, थेपला आपका ज़्यादा दिन तक एकदम सॉफ्ट रहेगा और बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। इसको आप सर्कुलर मोशन में ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करके अच्छे से पका लेंगे और ये देखिए कितना यमी लग रहा है हमारा थेपला। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट अच्छा लग रहा है। तो उसी तरह हम बाकी थेपले को भी तैयार कर लेंगे और ये हमारा थेपला रेडी हो चुका है। इसको आप अचार, दही, सब्जी, चाय, कॉफ़ी किसी के भी साथ क्लब कर सकते हैं और ये बहुत यम्मी लगता है। सिर्फ थेपला अगर आप खाएंगे तो भी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।